Assalamu alaikum, my dear students. So, alhamdulillah, with the grace of Almighty, we have reached to the next chapter, that is kinetic theory of gases or KTG. थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमें किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ही क्यों शुरू करना है. सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू, आई टोल्ड यू दिस थिंग इन मेनी लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत बार एक बात रिपीट की है, वो ये है कि जब भी आप किसी सिस्टम को फिजिक्स में, जब भी हम किसी सिस्टम को, बट वॉट सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ, पढ़ाया था कलेक्शन ऑफ एटम्स, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन. सपोज आप किसी को का नाम मैकेनिकल सिस्टम रखोगे, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हुज मैकेनिक्स इज टू बी स्टडीड. सिमिलरली थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हुज थर्मोडायनेमिक्स इज टू बी स्टडीड. सो अब ध्यान से सुनोगे, I want to tell you that what, where the difference lies between thermodynamics and kinetic theory of gases. So, मैं ये बात फिर से वाजिया करना चाहता हूं कि मैंने आपको बेटा बताया था कि जब भी आप एक सिस्टम को स्टडी करोगे, it is studied under two basic categories. A system may be studied at bulk level. Which level? Bulk level. A system may be studied at microscopic level or at molecular level or at atomic level. तो कितने categories में आप एक system को study कर रहे हो? दो categories पे या दो levels पे. So whenever you want to study a system, the very first question you must ask to a teacher is that, sir, at what level we are studying this very particular topic. So as far as, जैसे आप यहां देख रहे हो एक पाइप है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है. ओके, नाउ मैं देख रहा हूं कि यहां पर यह पानी, इसका कुछ प्रेशर है. नाउ अगर आप प्रेशर की बात करोगे, यहां पे यह प्रेशर किस पे पड़ रहा है? पूरे पाइप पे पड़ रहा है, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर. सो अगर आप प्रेशर की बात करोगे, दिस प्रेशर इज द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. विच क्वांटिटी? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी. सो दैट मींस पी, जो प्रेशर है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसी टर्म है जो आप स्टडी करते हो, जो आप यहां पे इंक्लूड कर रहे हो, ताकि आप बल्क लेवल पे इस फ्लूइड को समझो. सो प्रेशर की वजह से आप इस फ्लूइड को स्टडी कर सकते हो, बट वो स्टडी किस लेवल पे है? दैट इज स्टडीड एट विच लेवल? बल्क लेवल. So, meri baat suno, very much important point it is. And the introduction of kinetic theory of gases is quite important because many of the students are not able to differentiate what kinetic theory of gases is, what thermodynamics is, where the actual difference lies. So, meri baat suno. Maine aapko kaha ki agar aapke paas paani hai, aap is paani ko do levels pe study kar sakte ho. One at bulk level, another one at molecular level. Or you can see at microscopic level. Now, अगर आपके पास एक glass of water है, like this, या beaker है, उसमें पानी है. Now tell me, अगर आप इसको bulk level पे देखोगे, किस level पे देखोगे? Bulk level पे. So यहां पे आप क्या देखोगे? The whole fluid is in the state of rest. Okay. So this is, we are studying the fluid at which level? Bulk level. Macroscopic level. So macroscopic view के हिसाब से जब आपने, so इसीलिए मैंने एक और point बताया था, दो physics, macroscopic physics, microscopic physics. So macroscopic physics के हिसाब से the whole fluid is in the state of rest. Now अगर मैं इसी fluid को microscopic या मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करूंगा, आई वॉन्ट टू स्टडी द सेम फ्लूड एट वट लेवल? मॉलिक्यूलर लेवल.
यहां पे किस लेवल पे स्टडी किया था? बालक लेवल। यहां पे किस लेवल पे स्टडी किया था? मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल पे मैंने क्या देखा? दीज मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन रैंडम मोशन। सो इसका मतलब हुआ मॉलिक्यूलर लेवल पे दिस फ्लूइड इज नॉट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इन एट द मॉलिक्यूलर लेवल द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सो व्हाट डज दैट मीन? एट बल्क लेवल दिस फ्लूइड अपीयर्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एट मॉलिक्यूलर लेवल दिस फ्लूइड अपीयर्स टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, रैंडम मोशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। बल्क लेवल पे एक रिजल्ट है, मॉलिक्यूलर लेवल पे दूसरा रिजल्ट है। तो मेरी बात गौर से सुनोगे। नाउ बल्क लेवल पे अगर आप इस फ्लूइड का, इस सिस्टम का क्या देखना चाहते हो, सपोज दीज फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, सपोज दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इज दैट क्लियर? बट व्हाई दिस गैस, व्हाई दिस दीज फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, या आपके पास एक सिलेंडर है, एक और एग्जाम्पल, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स, नाउ यू नो दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दिस इज द बल्क लेवल स्टडी। आपको पता है ये जो गैस है ये सिलेंडर पे प्रेशर डाल रहा है। सो दिस इज द स्टडी ऑफ दिस सिस्टम एट बल्क लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। बट मुझे ये जानना है दैट व्हाई दिस गैस exerts the pressure on the walls of container. So I want to know the mechanism, I want to know the cause of pressure exerted on the gas on the walls of container. So jab aap kisi system ka, kisi process ka, kisi phenomena ka mechanism dekhna chahte ho, kya dekhna chahte ho, cause dekhna chahte ho, to aapko zaruri उस सिस्टम को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू नो द कॉज, सपोज थर्मोडायनेमिक्स, आपने देखा थर्मोडायनेमिक्स में तीन स्टेटेड वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यू नो उनको मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज मैक्रोस कोपिक क्वांटिटीज। सो व्हाई? बिकॉज दिस पी इट इज द प्रेशर, इट इज मेजर एट द बल्क लेवल। वॉल्यूम इट इज द बल्क क्वांटिटी, इट इज मेजर एट द बल्क लेवल। टी इट इज टेम्परेचर मेजर एट द बल्क लेवल। सो इसका मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स एक गैस, एक सिस्टम की स्टडी करते हैं हम, उसमें हीट को स्टडी करते हैं हम, उसमें एनर्जी चेंजेस देखते हैं, बट एट व्हाट लेवल? एट बल्क लेवल। एट विच लेवल? बल्क लेवल। बिकॉज वहां पर थर्मोडायनेमिक्स में यू डील विद द प्रेशर, यू डील विद द वॉल्यूम, यू डील विद द टेम्परेचर, एंड ऑल दीज क्वांटिटीज आर मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। लेकिन क्या आपने थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ पढ़ा कि अगर गैस प्रेशर डाल रहा है, why it exerts pressure, why, what is the cause of exerting the pressure? No. kya aapne thermodynamics mein padha why this gas occupies the whole volume of the container? Padha nahi. So you are not studying the cause of these macroscopic quantities. Acha agar temperature hai, chalo system mein temperature hai, but kya aapne thermodynamics mein padha why this system has some temperature, what is the basic cause, what is the fundamental cause of temperature? Nahin. So jab aap in macroscopic quantities ka cause dhoondna chahte ho, jab aap yahan dhoondna chahte ho ki ye pani ya ye gas kyun pressure dal raha hai, to aapko us cause ko dhoondne ke liye उस सिस्टम को किस लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर लेवल पे। नहीं आया समझ? आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। व्हेन एवर यू वॉन्ट टू नो द मैकेनिज्म ऑफ दैट सिस्टम, व्हेन एवर यू वॉन्ट टू नो द मैकेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर फिनोमेना, व्हेन एवर यू वॉन्ट टू नो हाउ दिस, व्हाई द गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर, व्हाई द गैस ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम,
Why the gas has some temperature? You want to know the cause of these macroscopic quantities. Then you have to switch over to the molecular study. You have to switch over to the molecular physics. तो आपको उसी सिस्टम को मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करोगे, आप ये जान लोगे कि वाई गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, आप ये जान लोगे वाई गैस ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, आप ये जान लोगे वाई गैस पोजेसेस सर्टन टेम्परेचर। सो हमने क्या देखा, इसलिए हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन में, तो मैं यहां रैप कर रहा हूं। सो मैंने आपको बताया था कि जो ये थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें हम प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किस लेवल पे, बल्क लेवल पे, किस लेवल पे, बल्क लेवल पे। और इस बल्क लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को स्टडी करना पड़ता है, लाइक यस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। सो थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट, इट इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज्स, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, बट एट व्हाट लेवल, बल्क लेवल। या आप क्या कर रहे हो, आप गैस का प्रेशर देख रहे हो, प्रेशर इज विच क्वांटिटी, इट इज मैक्रोस्कोपिक। आप गैस का वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम इज विच क्वांटिटी, मैक्रोस्कोपिक। टेम्परेचर इज विच क्वांटिटी, मैक्रोस्कोपिक। लेकिन अब मेरा मसला यह है कि मैं अब जानना चाहता हूं कि गैस क्यों प्रेशर डालेगा, गैस ऐसा क्यों करेगा। सो देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी सिस्टम को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। किस लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे बेटा उसको स्टडी करना पड़ेगा। मैं बराबर बालक से किस में जा रहा हूं, मॉलिक्यूलर लेवल पे। और उस मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी ना। तो उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जो प्रॉपर्टी क्वांटिटीज हैं जिनको हमें पढ़ना है बेटा, उनको माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, इज दैट क्लियर। और वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज क्या है, वो बेटा ये है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आप यहां क्या क्या देखोगे, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये सब चीजें आप यहां पे देखोगे। तो आपने क्या किया, सो इट इज माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। सो नाउ आप जब किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मैकेनिज्म देखना चाहते हो, आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, किसी सिस्टम को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना चाहते हो, देन आपको यहां पर एक सेपरेट चैप्टर है उसके लिए, दैट इज किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो व्हाट काइनेटिक और किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डील्स विद, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, बट नॉट एट द बल्क लेवल, एट द मॉलिक्यूलर लेवल। और एक और बात, जब आप इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे इसमें स्टडी करते हो, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको काज भी पता चलेगा ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको मैकेनिज्म भी पता चलेगा, एक्चुअल में हो क्या रहा है, व्हाई गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर। तो एक छोटा सा ये व्यू में, ओवरव्यू में दे रहा हूं, व्हाई गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से हमें पता चलता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर इन रैंडम मोशन, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, सो उनकी स्पीड की वजह से प्रेशर होता है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, इट इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इट इज ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। समझ आया,
So what is the cause of the pressure exerted by the gas? It is due to the momentum of the molecules. It is जब आपको पता है मेरे पास ये पेन है बेटा, जब इसका momentum है, जब ये टकराएगा किसी को तो उस पर कुछ impact पड़ेगा ना. So same is the case with the gas molecule. It possesses speed, it possesses mass. So when it hits the wall, it exerts the pressure. So what is the cause of the pressure? Pressure is a microscopic quantity. Iska cause dhoondne ke liye hamare paas ek microscopic quantity hai, that is speed of the molecules. So what is the cause of the pressure? It is due to the speed of the molecules. It is due to the momentum of the molecules. So when the molecules possess momentum, they exert the pressure on the walls. So aapne jab ek thermodynamic system ko gas level pe nahi, bulk level pe nahi, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ा, आपको सीधे पता चला कि हो क्या रहा है. व्हाई गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर? यस, नाउ यू कम टू नो व्हाई गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर. व्हाई गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर? ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो एक जो मसला चल रहा है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे चल रहा है. मैकेनिज्म पता चला, कॉज पता चला. एंड सिमिलरली व्हाई इट ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम? व्हाई? क्योंकि ये जब रैंडम मोशन में है, फ्री फ्लाइट मोशन में है, तो इनमें क्या है? इट इज ड्यू टू. सो व्हाई गैस ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम? इट इज ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, उनको कोई बंदिश, बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना कमजोर है कि उनमें कोई बंदिश ही नहीं है. देयर इज अ फ्री फ्लाइट ऑफ मोशन. जब फ्री फ्लाइट है, एक बंदा, एक गैस मॉलिक्यूल वहां जा रहा है, दूसरा यहां जा रहा है. सो व्हेन देयर इज फ्री फ्लाइट और व्हेन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट देन ड्यू टू दिस, दिस गैस विल ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम. सो आपको पता चला ना, ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जो वॉल्यूम है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वी? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वी? इट इज ड्यू टू द फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो जो भी थर्मोडायनेमिक्स में जो भी क्वांटिटीज हैं, उनका काज ढूंढने के लिए, जानने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा? किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. सो किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम ये भी कह सकते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को किसके साथ रिलेट करता है? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के साथ. सो किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इट इज ए ब्रांच of classical physics which relates the microscopic quantities like speed of the molecules, moment of the molecules, kinetic energy of the molecules with the macroscopic. आपस में relate करता है. Macroscopic quantities का cause ढूंढने के लिए kinetic theory of gases है. So now pressure का cause पता चला, it is due to the speed of molecules or atoms. Volume का cause, it is due to the freedom of molecules. अगर आपने मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं की होती तो आप कभी भी नहीं जान सकते थे कि व्हाई गैस ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम. अगर आपने मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं की होती तो आपको कभी पता नहीं चलता व्हाई गैस एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स. अच्छा, नाउ व्हाट इज व्हाई गैस पोजेसेस टेंपरेचर? यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज ड्यू टू द किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स पोजेस किनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स पोजेस इंटरनल एनर्जी, तो उसकी वजह से क्या है? टेम्परेचर. सो आपको इन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को, सो जो किनेटिक थ्योरी है, ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करते हैं. और क्या पता चला? आप जरा अब शॉर्ट में बताओ व्हाट केटीजी डील्स. केटीजी डील्स, यस, विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज्स, या डील्स विद द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम. एट व्हाट लेवल? एट मॉलिक्यूलर लेवल. समझ आया? इट ऑल्सो टेल्स अस द कॉज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस. व्हाई गैस एक्सर्ट्स प्रेशर, व्हाई गैस ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम, ये सारी चीजें कौन बताता है हमें? कौन हमें समझाता है? केटीजी, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. और हमें ये क्या बताता है? ये किनको रिलेट करता है?
मैक्रोस्कोपी क्वांटिटीज या माइक्रोस्कोपी क्वांटिटीज को मैक्रोस्कोपी क्वांटिटीज के साथ रिलेट करता है, कर रहा है ना। प्रेशर क्यों है? ड्यू टू द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम क्यों है? ड्यू टू फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये पता, ये आपस में रिलेट हो रहे हैं। सो बल्क लेवल पे कोई क्वांटिटी है, उसका जानने के लिए, उसका का जानने के लिए आपने उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ा। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आपने उसको पढ़ा, उसी का नाम पड़ गया किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बल्क लेवल पे जब आपने उसको पढ़ा, उसका नाम पड़ गया थर्मोडायनेमिक्स। सो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज, स्टडी ऑफ सर्टन मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज एट बल्क लेवल। Pressure, volume, temperature, these are the macroscopic quantities, these are the bulk properties. And now, if you want to know the cause of pressure, the cause of volume, the cause of temperature, you have to switch to the molecular level. And when you switch to the molecular level, there are certain microscopic quantities which you need to study, like speed of the molecules, momentum of the molecules, kinetic energy of the molecules. So, iska matlab hua, wahan pe wo jo branch hai, usko kya kehte hai? Kinetic थ्योरी ऑफ गैसेस। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप पढ़ते हो फ्लूइड मैकेनिक्स, यू नो व्हाट फ्लूइड मैकेनिक्स इज? फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ व्हाट? ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये फ्लूइड डायनेमिक्स जो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, बट इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड एट बल्क लेवल। एट व्हाट लेवल? बल्क लेवल। जैसे आप प्रेशर पढ़ते हो, बर्नौली थ्योरम पढ़ते हो, प्रेशर पढ़ते हो उसका, पूरे गैस का, पूरे फ्लूइड का। लेकिन अगर आप इस फ्लूइड को जो पानी में ले रहा हूं उसको पढ़ना चाहते हो मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उस सब्जेक्ट का नाम आप मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। सो देयर आर टू सब कैटेगरीज, देयर आर टू कैटेगरीज फॉर स्टडिंग fluid. One is fluid dynamics, another one is transport phenomena. Fluid dynamics deals with the study of motion of the fluid at bulk level. But okay, what this is transport phenomena? It deals with the study of the fluid at molecular level. So molecular level pe aapko phir kya pata chalega? Mechanism. So jab bhi aap kisi bhi phenomena ke mechanism ke bare mein janna chahte ho, you should switch to the molecular level. जब भी आप बल्क लेवल पे कुछ देखना चाहते हो, कोई क्वांटिटी पढ़ना चाहते हो, देन यू विल स्विच टू द थर्मोडायनेमिक्स। बट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी सिस्टम को स्टडी करोगे, बल्क लेवल पे भी स्टडी करना उसका इंपॉर्टेंट है, और यस मॉलिक्यूलर लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है। सो हियर आई विल फिनिश दिस इंट्रोडक्शन टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इंशाल्लाह कल मैं आपको पोस्टुलेट्स या एजम्पशंस ऑफ किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? सो हियर आई विल क्लोज दिस सेशन। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। मेनी मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल कम इन द फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम।